हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ नया वीडियो, जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स आज मैं लाया हूँ आपके लिए, बहुत सारे अमेजिंग ट्रिक्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन भी है हमेशा की तरह। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ट्रिक नंबर वन से, और ट्रिक नंबर वन को करने के लिए आपको आना है बर्मुडा मैप में, और यहाँ पर आपको आना है इस नए वाले टावर के पास। ये जो यहाँ पर पीक पे बड़ा सा टावर बना होता है, इसी के पास आपको आना है। तो पहले आपको सिंपली जाना है ऊपर। ऊपर जाने के बाद इस वाले साइड में आपको आना है, और यहाँ से आपको इस तरह से ग्रेनेड से एम करना है। और यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना कहाँ पर मैं ग्रेनेड से एम कर रहा हूँ, यहीं पर आपको भी इस तरह से ग्रेनेड फेंकना है। तो आपने देखा मेरा जो ग्रेनेड है वो यहाँ पर नीचे चला गया है, बट यहाँ पर जो मुझे अच्छे से पूरा यहाँ पर डैमेज पड़ चुका है। फिर से मैं आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ, इस बार आप देखना यहाँ पर कैसे होता है ये। तो इस तरह से आपको एम करना है। अब देखो यहाँ पर अच्छे से ग्रेनेड हमारा जो है पूरा नीचे अच्छे से चला गया है, बट वो जो है सिटल यहाँ पे डैमेज दे रहा है। ग्रेनेड नीचे गया बट डैमेज वो यहाँ पर दे रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और हमारी ट्रिक नंबर टू होने वाले इस नए वाले मोड में। आपको इसमें गेम को स्टार्ट करना है स्प्रे एंड प्रे में। तो इसमें गेम को स्टार्ट करने के बाद आपको ये वाला जूता मिलता होगा। अगर आप इससे ट्राई करोगे बीमा शक्ति के टावर के ऊपर जाने का, आप बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। हमारा जो जूता है वो यहाँ पर पहले जो है फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, मतलब वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इस तरह से यहाँ पर इसको यूज़ करना है, इतना आपको ऊपर आना है। इतना ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको इसको पहले बंद करना है। आपको यहाँ पर बस एक दो सेकंड के लिए इसको बंद करना है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेना है, फिर आपको फिर से यहाँ पर इसको यूज़ करना है। और जैसे भी इसको फिर से यूज़ करोगे यहाँ पर आपका जो करेक्टर है वो यहाँ पर पूरा अच्छे से इस टावर के ऊपर आ जाएगा, और इस तरह से आप गन के साथ पूरा जो भी आपके साथ होगा सब कुछ समेत आप इस टावर के ऊपर आ सकते हो। और अभी के टाइम पर कोई भी ऐसा और ट्रिक नहीं है जिससे आप इसके ऊपर आ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और हमारे ट्रिक नंबर थ्री होने वाली है लॉबी में। पहले आपको जाना इवेंट वाले सेक्शन में, यहाँ पर आपको इस पे और इस वाले ऑप्शन पे आपको दोनों पे जो है टैप टैप इस तरह से जल्दी जल्दी करना है, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं एक दो बार। तो जैसे आप इस तरह से टैप टैप करोगे फिर आपका जो है पीछे ये करेक्टर यहाँ पर दिखाएगा, जैसे आप देख ही सकते हो, और आपने जो भी करेक्टर रखा होगा वही वाला करेक्टर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो मेरे जो है लॉबी में यहाँ पर दो दो करेक्टर बन चुके हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसको एडिटिंग से यहाँ पर ऊपर लगाया है, मतलब ये जो है पूरा ऊपर की ओर दिख रहा है। और अगर आप ग्रुप भी बनाओगे यहाँ पर भी आपके दो दो करेक्टर रहेंगे, यहाँ पर फीमेल करेक्टर लगाओगे फिर भी यहाँ पर आपके दो करेक्टर रहेंगे। तो इस तरह से आप इजली इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को दिखाने के लिए, उनको सरप्राइज करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और हमारी ट्रिक नंबर फोर होने वाली है ट्रेनिंग ग्राउंड में। बट पहले आपको यहाँ पर जाना है कलेक्शन में। ये जो नया स्केटबोर्ड आपको फ्री में मिला है ये आपको रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाले स्केटबोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, BTS लिखा होता है इस पर, और ये कल ही सबको फ्री में मिला है। तो इसको आपको लेना है, और फिर आपको आना है ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने फ्रेंड को लेकर। पहले आपको जाना है पानी में। पानी में जाने के बाद दोनों यहाँ पर स्केटबोर्ड यूज़ कर लो, और स्केटबोर्ड यूज़ करने के बाद आपको फ्रेंड को बोलना है कि वो स्केटबोर्ड बंद करे, फिर आपका ये वाला ग्लिच हो जाएगा। फिर आपको अपने फ्रेंड को बोलना है वो फिर से यहाँ पर स्केटबोर्ड यूज़ करे, फिर आपको खुद स्केटबोर्ड बंद करके यहाँ पर चले जाना है इस तरह से ज़मीन पर। और यहाँ पर आने के बाद सिंपली स्केटबोर्ड को यूज़ करो, और अपने फ्रेंड को फिर बोलना है कि वो यहाँ पर स्केटबोर्ड को बंद कर दे। और जैसे आपका फ्रेंड पानी में स्केटबोर्ड बंद करेगा आप यहाँ पर ज़मीन पे रहोगे, आपको जो स्केटबोर्ड है वो यहाँ पर पूरा का पूरा इनविजिबल हो जाएगा। आप देख सकते हो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर हवा पर चल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर स्केटबोर्ड बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है। और ये सिर्फ आपको नहीं दिखेगा, आपके फ्रेंड को दिखेगा, एनिमी को दिखेगा, सभी को दिखेगा। तो सभी को यहाँ पर सरप्राइज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और हमारे ट्रिक नंबर फाइव होने वाले फिर से लॉबी में। पहले आपको लॉग आउट करना है। जैसे आप इवेंट पेज पे आ जाओगे, सॉरी लॉग इन पेज पे आ जाओगे, यहाँ पर आपको सिंपली स्क्रीन पे टैप करना है, एक दो सेकंड वेट करके यहाँ पर नेट को ऑफ करना है। फिर यहाँ पर आपकी लॉबी जो है पूरी की पूरी यहाँ पर खाली रहेगी इस तरह से, और जैसे इस तरह से हो जाए फिर आपको नेट को ऑन करना है। और नेट को ऑन करने के बाद आपको जाना है वेपन वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपकी जितने भी गन रहेंगे आप किसी पर भी टैप करो, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखने वाला। आप चाहे स्किन पे टैप करो, नॉर्मल गन पे टैप करो, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर गन नहीं दिखेगा। बट अगर आप गन पे टैप टैप करोगे फिर आपका गन जो है इस तरह से ब्लिंकिंग करने लग जाएगा, मतलब जितनी बार टैप करोगे उतनी बार आपका गन दिखेगा, बाकी इस तरह से नॉर्मली आपका गन नहीं दिखने वाला। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और हमारे ट्रिक नंबर सिक्स होने वाले यहाँ पर किसी भी हाउस के पास। आपको किसी भी हाउस के पास इस तरह से विंडो के पास आना है। तो पहले आपको चढ़ना है इस विंडो के ऊपर, फिर आपको यहाँ पर प्रोन करना है। प्रोन करने के बाद यहाँ पर आपको अच्छे से पहले खुद को सेट करना है। तो पहले यहाँ पर देख ही सकते हो कैसे मैं यहाँ पर खुद को सेट कर रहा हूँ। आपको धीरे धीरे इस तरह से अपने कैरेक्टर को जो है सेट कर लेना है, और जैसे आप इस तरह से पूरा कैरेक्टर सेट करोगे फिर आपका जो कैरेक्टर है वो बाहर से बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा। और आपका कैरेक्टर तो अभी बाहर से नहीं दिखने वाला, बट आपका जो गन है वो विंडो के बीच में से बाहर निकला हुआ है, और बाहर की साइड अगर कोई भी एनिमी होगा उसको आप इजिली यहाँ से किल कर सकते हो। और बाहर जो भी एनिमी होगा वो तो आपको नहीं देख पाएगा क्योंकि आप यहाँ पर अच्छे से विंडो के पीछे बैठे हो, बट बाहर जो एनिमी होगा उसको आप इजिली यहाँ से किल कर सकते हो।
यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरा जो फ्रेंड है वो यहाँ से बाहर से बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा, बट उसका जो गन है वो विंडो के बीच में से निकला है, मतलब वो यहाँ पर इस जो है ग्लोवाल को भी तोड़ सकता है। और यहाँ पर फिर से देख ही सकते मेरा फ्रेंड जो है बिल्कुल भी बाहर से नहीं दिख रहा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और हमारे ट्रिक में 7 होने वाले हैं फिर से उसी स्केटबोर्ड के साथ जो आपको फ्री में मिला है। तो वो आपको स्केटबोर्ड रखना है, फिर आपको आना है गेम में, आप चाहे तो ट्रेनिंग में करो या यहाँ पर क्लासिक में भी इस ट्रिक को कर सकते हो। तो पहले दोनों को आना है आपके फ्रेंड को लेकर यहाँ पर पानी में, फिर जैसे यहाँ पर दोनों स्केटबोर्ड यूज़ करें फिर अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो स्केटबोर्ड बंद कर दे। जैसे आपका फ्रेंड यहाँ पर स्केटबोर्ड बंद करेगा आपका ये वाला ग्लिच हो जाएगा, मतलब आपका जो स्केटबोर्ड है वो यहाँ पर पिंक हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर स्केटबोर्ड को बंद करोगे फिर आपका फ्रेंड जो है उसका स्केटबोर्ड यहाँ पर पिंक हो जाएगा, मतलब जो भी पानी में रहेगा उसका नहीं, जो दूसरा वाला बंदा रहेगा उसका यहाँ पर स्केटबोर्ड जो है पिंक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और ट्रिक नंबर 8 को करने के लिए आपको चाहिए जीप। आपको आना है यहाँ पर पोचिनॉक में, यहाँ पर इस हवेली के पास। तो यहाँ पर ये जो दो अलमारी टाइप के दिख रहे हैं यहीं पर आपको आना है, गाड़ी को इस तरह से राइट साइड में सेट करना है। और यहाँ पर इस तरह से गाड़ी को सेट करने के बाद आपको गाड़ी से गेट आउट करना है, फिर यहाँ पर गाड़ी में एंटर करना है, फिर से गेट आउट कर देना है। जैसे आप गाड़ी से गेट आउट करोगे आप इसके बीच में इस तरह से फंस जाओगे, और नॉर्मली यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता वो तो आपको पता ही होगा, बट आप इस ट्रिक से यहाँ पर आ सकते हो इस गैप के बीच में, और यहाँ पर अपने फ्रेंड वगैरह को ये ट्रिक दिखा सकते हो, उनका सरप्राइज कर सकते हो। और यहाँ पर आप फंसोगे ना, आप इसलिए जॉयस्टिक की मदद से यहाँ पर बाहर भी निकल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और ट्रिक नंबर 9 को करने के लिए आपका नया कालाहरी मैप में, यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह का क्या नाम है, संटा कैटरीना कैप, पता नहीं, छोड़ो जो भी है। तो यहाँ पर आपको आना है, जैसे इस जहाज के अंदर जाओगे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। बट वेट करो, यहाँ पर जैसे मैं पीछे गया देखो, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर दरवाजा भी था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। देखो जैसे मैं स्कोप खोल रहा हूँ वहाँ पर जो है मतलब पूरा ब्लैक टाइप का दिख रहा है, कुछ भी वहाँ पर है ही नहीं। बट जैसे मैं स्कोप आउट कर रहा हूँ यहाँ पर फिर से दरवाज़ा पैदा हो रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है, कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। और सिर्फ स्कोप खोल के नहीं, अगर आप यहाँ पर आओगे यहाँ पर देखो ये अच्छे से भी दरवाजे दिख रहे हैं, बट जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाऊँगा यहाँ पर पूरा जो है सब दोनों के दोनों दरवाजे गायब हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और ट्रिक नंबर 10 को करने के लिए आपको चाहिए कोई सी भी गाड़ी। तो आपको सिंपली पहले पानी में जाना है। तो देखो मैंने यहाँ पर पानी में गाड़ी ले जाई, और जैसे मैं पानी में गए मेरी गाड़ी यहाँ पर फंस गई, मैं इसको बिल्कुल भी यहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं हिला सकता, ये आपको भी पता है। बट अब देखो मेरा फ्रेंड यहाँ पर ड्राइव किया, अब देखो इसके पास एक निंजा टेक्निक है, देखो ये जो है पूरा गाड़ी को गोल गोल घुमाएगा वो भी पानी में। आपने यहाँ पर देखा अच्छे से मैं कितना ज़्यादा ट्राई कर रहा था, बट हमारी गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिल रही थी, बट मेरा जो फ्रेंड है वो सिर्फ हिला नहीं रहा, मतलब पूरी गाड़ी को ही यहाँ पर चला रहा है। तो इस ट्रिक को करने के लिए सिंपली आपको गाड़ी को ड्राइव करना है, और ड्राइव करने के बाद यहाँ पर एक्सीलरेटर को और यहाँ पर राइट साइड वाले इस हैंडल को, इस दोनों को पकड़ के रखना है, और फिर यहाँ पर गेम को मिनिमाइज करना है। और जैसे इस ट्रिक से करोगे आपका यहाँ पर ट्रिक हो जाएगा। और आज का क्वेश्चन है कि मेरे पास यहाँ पर अभी कौन सी कार थी। और यह था आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।